तो दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन के बारे में। नई स्कॉर्पियो एन इतनी ज़्यादा खास है, नए फीचर्स के साथ आ रही है, लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या स्कॉर्पियो एन में अभी भी कमियाँ हैं, क्या महिंद्रा ने इसमें बहुत ज़्यादा खास दिया है और क्या अभी भी इसमें सुधार किए जा सकते थे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के डिज़ाइन की। तो नई स्कॉर्पियो एन का जो नया डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और मस्कुलर आपको फील होगा। अगर आप इसके फ्रंट की प्रोफाइल में जाते हैं तो यहाँ पर आपको पुरानी स्कॉर्पियो की याद आएगी, जिससे ये गाड़ी एक लेगेसी क्रिएट कर सकती है बहुत ही ज़्यादा शानदार। महिंद्रा ने इस गाड़ी को थोड़ा मॉडर्न बनाने के लिए, जैसे आपको XUV700 में एक सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर वाला सेटअप मिलता था, वही चीज़ दी गई है। पूरा LED सेटअप मिलता है फ्रंट में, डुअल बैरल LED हेडलैम्प्स है, बहुत ज़्यादा शानदार। अब बात करेंगे इस गाड़ी के डायमेंशंस की। तो इस गाड़ी का जो साइज़ है, वैसे तो ये गाड़ी चौड़ाई और ऊंचाई के मामले में टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी आगे है, लेकिन इस गाड़ी को अगर आप रियल में देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ मुझे इसमें लगी, जो इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट में खास तौर पे आपको 18 इंचेस के अलॉय मिलते हैं, बहुत ज़्यादा शानदार। लेकिन उसमें भी महिंद्रा ने थोड़ा सा गड़बड़ी की है, उसको आगे जानेंगे। आप थोड़ा समझते हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल में क्या चीज़ है। अगर आप इस गाड़ी की साइड और रियर प्रोफाइल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको टाटा की पुरानी सफारी की याद आएगी, क्योंकि उस गाड़ी की भी एक हाइट थी, अच्छा खासा उसका चार्म था, वही चीज़ आपको यहाँ पर फील होगी, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट। अब इस गाड़ी की अगर आप लंबाई को देखेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी लंबाई है इसकी, क्योंकि ये गाड़ी 6 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन में आ रही है। लेकिन आज मैं आपको इसका केवल 7 सीटर वर्जन दिखाऊंगा, 6 सीटर की वीडियो आपके लिए आगे आने वाली है। लेकिन जो इसका 7 सीटर है वो आपको काफ़ी अच्छी सीटिंग दे रहा है, लेकिन इसका एक डाउनसाइड मुझे फील हुआ कि जो इसकी थर्ड रो की सीटिंग है, ना ही उसमें AC वेंट ऑफर किया गया है और ना ही उसमें अच्छा स्पेस दिया गया है। मेरी हाइट 6 फीट की है, लेकिन फिर भी मेरे जो घुटने हैं वो आगे वाली सीट में टच हो रहे थे, तो वो थोड़ा सा मुझे कमी लगी, क्योंकि महिंद्रा के पास बहुत लंबी गाड़ी मिली थी, अच्छी खासी सीटिंग दे सकते थे। आगे देखेंगे उसकी क्या मजबूरी रही, लेकिन डिज़ाइन में महिंद्रा 10 में से 10 ले जाती है, बहुत बढ़िया काम करा है। अब अगर आप बात करेंगे इस गाड़ी के पैनल्स की, किस हिसाब से फिटिंग की गई है, किस हिसाब से पेंट क्वालिटी दी गई है, तो मैं कहूँगा नंबर 1 पेंट क्वालिटी है, कहीं पर भी मुझे इसमें कोई कमी नहीं लगी। पैनल्स की अगर आप फिटिंग्स की बात करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी बात की गई है, उसी के साथ जो सारी क्लैडिंग्स की फिटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी की गई है। पीछे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ देखते हैं क्या सारा खेल किया गया है, तो यही मैं आपको बता रहा था। अभी मैंने इसकी थर्ड रो को फोल्ड किया हुआ है, जिससे आपको आइडिया लगे कि आपको कितना बूट स्पेस मिलता है, लेकिन बूट स्पेस बहुत कम है गाड़ी में। अब चलती है इस गाड़ी के इंटीरियर्स के अंदर। अब इंटीरियर में आप आएंगे ना, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होगा, लेकिन इसमें जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो है अभी भी उसकी कुछ यादें बची हुई है, वो भी देखेंगे। एक जो नया एडिशन है इलेक्ट्रिक सनरूफ, वो आपको ऑफर की गई है। जो नई स्कॉर्पियो एन में आपको डैशबोर्ड मिल रहा है वो अभी भी आपको पुरानी स्कॉर्पियो का याद दिलाएगा। अगर इसको थोड़ा और ज़्यादा बड़ा किया जाता, चौड़ा किया जाता, तो उससे और ज़्यादा प्रीमियम हो सकती थी गाड़ी। लेकिन जो चॉइस ऑफ मटेरियल है, जिस तरीके के मटेरियल दिए गए हैं, रिच कॉफ़ी शेड दिया गया है, उससे गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है। अगर इसे आप XUV700 की प्लास्टिक क्वालिटी से कंपेयर करेंगे तो इसमें अच्छा प्लास्टिक क्वालिटी मुझे देखने को मिला। अगर आप सेंटर कंसोल में भी देखेंगे, जिसमें आपको 8 इंचेस की स्क्रीन मिलती है, यहाँ पर जो आप इसका ड्राइवर क्लस्टर देख रहे हैं ये भी काफ़ी शानदार है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। साथ ही बड़ी SUV गाड़ी है, जिसमें आपको अच्छा खासा व्यू मिलता है, अच्छी खासी ऑफरोडिंग होगी, कुछ थोड़े बहुत फैंसी फीचर दिए गए हैं, सब कुछ मिल रहा है। साथ ही अच्छा खासा आगे वाली सीट में आपको लेगरूम मिल रहा है, वो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग लंबी हाइट के हैं उनको बहुत बढ़िया फील होगा। आर्मरेस्ट में आपको स्लाइडिंग का फंक्शन नहीं मिलता है, तो जो थोड़ा सा मिसिंग वाला बात है। लेकिन जो सीट्स है उसमें कुशनिंग काफ़ी शानदार दी गई है, गाड़ी में 6-6 आपको एयरबैग दिए गए, जिससे गाड़ी की जो सेफ्टी है वो बहुत बढ़िया तरीके से इंश्योर होती है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे ना, तो सेंटर कंसोल आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से कुछ और ब्रांड से इंस्पायर लगेगा, लेकिन मैं कहूँ अच्छा काम किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे पूरे प्रोफाइल को, मैं किस हिसाब से बैठा हुआ हूँ, काफ़ी मुश्किल से बन पाई थी ये वीडियो, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर दिया। गाड़ी मेरी हाइट 6 फीट की है, बहुत बढ़िया हेडरूम मिल रहा है, XUV700 से दुगना ज़्यादा हेडरूम मिल रहा है, सनरूफ भी काफ़ी ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं कर रही है। उसी के साथ अगर आप सारा स्टेयरिंग में सारे कंट्रोल को देखेंगे तो सबसे पहले आपको महिंद्रा का नया लोगो मिलेगा, उसी के साथ आपको सारे जो कंट्रोल है, बटन्स है, बहुत प्यारी क्वालिटी में मिलते हैं, कोई कमी नहीं है। स्टेयरिंग में सिर्फ आपको टिल्ट का फंक्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं है, आप इसे अपनी ओर नहीं खींच सकते, ना इसको नीचे कर सकते, वो अलग चीज़ है। अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, आज मेरे साथ ऑटोमेटिक और मैनुअल वेरियंट दोनों है इस वीडियो में, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये भी मिलेगी। अब इस गाड़ी में आपको 12 स्पीकर मिलते हैं, तो उससे जो साउंड क्वालिटी है
वो आपको वही लेवल की मिलेगी जो XUV700 में आती है। अगर आप ज़्यादा बढ़िया मांगते हैं तो आपको अपग्रेड करवाना पड़ेगा। अब चलिए चलते हैं इसकी सेकंड रो सीट्स में। सेकंड रो सीट्स ने भी मुझे इंप्रेस करा। जो लोग इस गाड़ी को फैमिली के लिए ले रहे हैं तो 7 सीटर वर्जन उनके लिए बहुत सही है। हमारी स्कॉर्पियो एन की जो हाइट है ना वो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, तो इस गाड़ी में जो आपको हेडरूम मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। गाड़ी में आप जब चढ़ेंगे उतरेंगे तो आपको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा, बहुत आरामदायक तरीके से। अगर आपके घर में बुजुर्ग भी है वो भी बहुत प्यार से आ सकते हैं। अब महिंद्रा ने इसमें कोई भी स्लाइडिंग का फंक्शन नहीं दिया है, सिर्फ आप सीट्स को थोड़ा सा रिक्लाइन कर पाएंगे। उसके साथ गाड़ी की जो सेकंड रो सीट्स है वो हल्की सी फोल्ड हो जाती है, मतलब बिल्कुल फोल्ड हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि फ्लश हो जाएगी लेकिन फोल्ड हो जाती है। आगे का जो डैशबोर्ड है बहुत बढ़िया व्यू देता है, पुरानी स्कॉर्पियो की आपको याद दिलाएगा। अगर ये थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सटेंडेड होता तो एक प्रीमियम फील आपको दिला सकता था, लेकिन पुरानी ही स्कॉर्पियो की तरह रखा गया है। लेकिन चेंजेस बहुत किए गए हैं। अब ये जो सेकंड रो का एसी वेंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल हो गया है। लोगों को थर्ड रो में भी एसी वेंट चाहिए था लेकिन महिंद्रा ने यहाँ पर मिस कर दिया। अब आइए चलते हैं सीधे इसके बूट स्पेस की ओर और जो इसका थर्ड रो है वहाँ पर क्या काम किया गया है। तो यहाँ पर महिंद्रा ने जो पीछे का टेल गेट है उसमें थोड़ा सा कर्वेचर दिया है, जिससे बड़ा बैग अगर आप रखते हैं तो आपके लिए स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। नीचे आप देखेंगे आपको एक हाइड्रोलिक एक तरीके से रिट्रैक्टर दिया गया है, जिससे आप जब डोर को क्लोज करेंगे तो आपकी सेफ्टी इंश्योर होती है, डोर इधर उधर नहीं भागेगा। अगर आप पीछे देखेंगे ना, यहाँ से आपको सेकंड रो की सीट्स का पूरा आइडिया मिल रहा होगा। थर्ड रो की सीट्स भी आप देख सकते हैं, जो सेंटर पैसेंजर है जो आपकी सेकंड रो है उसके लिए भी हेडरेस्ट दिया गया है। आगे की जो सीटिंग क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। अब ये वाली सीट्स को आप फोल्ड करते हो तो देखिए इसमें कैसे पूरा फंक्शनिंग दिया गया है। तो ये वाली सीट ना ऐसे कर देंगे तो बिल्कुल हो जाएगी, ऐसे करेंगे तो ये फोल्ड हो जाती है और ऐसे फोल्ड होके और ये खड़ी हो सकती है, बिल्कुल फ्लश नहीं होगी। तो अगर आप बूट स्पेस का अंदाज़ा लगाना चाहे अगर आप थर्ड रो सीट्स को फोल्ड करके, तो करीब आपको 350 से लेकर 400 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है, ठीक है, मैनेजेबल है, लेकिन सेकंड रो में स्पेस अच्छा है। जो थर्ड रो है उसमें आपको घुटनों में दिक्कत होगी। अगर आपकी हाइट मेरे बराबर है 6 फीट के आसपास तो घुटने आपके लड़ने वाले हैं आगे वाली सीट से, तो वो आप ज़रूर याद करिए। अब आइए एक और चीज़ समझिए, मैं आपको दो कलर ऑप्शन दिखा रहा हूँ आज। एक आपको पहले दिखाया था डीप फॉरेस्ट, अभी दिखा रहा हूँ नेपोली ब्लैक। जो ये नेपोली ब्लैक वाला है ये मैनुअल वेरिएंट है, चाहे डीजल लीजिए पेट्रोल लीजिए मैनुअल है, लेकिन इसमें आपको केवल 17 इंच का अलॉय आएगा। जो ऑटोमेटिक लेगा उसको 18 इंच का अलॉय मिलेगा। यहाँ पर भी महिंद्रा ने थोड़ी गड़बड़ी करी है, तो मैनुअल वालों को भी अच्छी चीज़ देनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं मेन टॉपिक की, क्योंकि जो स्कॉर्पियो एन है उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जो इसके रियर वाला एक्सल है इसमें पावर जाती है सबसे पहले, क्योंकि ये 4x2 गाड़ी है जैसे आपकी इनोवा है। ये कोई फैंसी एसयूवी नहीं है जिसमें आगे वाले पहिए चलेंगे और जब ये कीचड़ में फंसे तो पहिए घूमते रह जाए और गाड़ी वहीं फंस जाए। ये गाड़ी में अगर आप बेस मॉडल भी लेते हैं जो कि 11,99,000 रुपये का है, उसमें पीछे वाले ही एक्सल में पावर जाती है। हाँ, आपके पास ऑप्शन है, आप 4x4 ले लीजिए या फिर 4-व्हील ड्राइव, लेकिन ये आज हमारे साथ 4x2 वाला ऑप्शन है, आगे वाले पावर नहीं मिलेगी। लेकिन पीछे भी देखिए ना, डिफरेंशियल कितनी बढ़िया तरीके से काम किया गया है। उसी के साथ जो आप सारे सस्पेंशन के लिंक दे रहे हैं, इसमें भी आपको वाट लिंक सस्पेंशन दिया गया है, जो कि आपको फोर्ड एंडेवर के अंदर भी मिलता था, जिससे गाड़ी की स्टेबिलिटी बढ़ती है। जब हाई स्पीड पे गाड़ी चलेगी ज़्यादा स्टेबल होकर चलेगी। गाड़ी का जो एक्सल है हमेशा गाड़ी के नीचे ही रहने वाला है, एक लेटरल अपने अपनी पोजीशन बना के रखेगा जिससे गाड़ी ज़्यादा स्टेबल फील होगी। तो ये मेरा पूरा एक वॉक अराउंड रहा है, मैंने महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर क्या देखा। अब अगर आप मुझसे कलर चॉइसेस की बात करेंगे तो क्योंकि मैंने इसका डीप फॉरेस्ट और नेपोली ब्लैक दोनों देख लिया है, वाइट रेड और बाकी कलर ऑप्शंस की वीडियो आने वाली है, लेकिन मेरी नज़र में मुझे जो डीप फॉरेस्ट है वो ज़्यादा बेटर लग रहा है। आपकी क्या राय है आप मुझे ज़रूर बताइए। मैंने इसके वेरिएंट वाली सारी प्राइसिंग लिस्ट और ये सब चीज़ें सब कुछ बनाया हुआ है, हर एक वेरिएंट का आपको बखूबी समझाया हुआ है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्राइसिंग 11,99,000 रुपये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है। जो आपने डीप फॉरेस्ट वाला देखा वो पेट्रोल में ऑटोमेटिक है और जो आप नेपोली ब्लैक देख रहे हैं ये डीजल के साथ मैनुअल है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हम अपग्रेड करना चाहते हैं कि हम मैनुअल ले लेंगे टॉप मॉडल Z8 लग्जरी, उसमें हम चाहते हैं 18 इंच के अलॉय लगाए, तो करीब 60,000 से 70,000 रुपये के 4 अलॉय आएंगे। उसके बाद जो टायर आपको 17 इंच वाली गाड़ी में मिले हैं वो भी कूड़े में जाएंगे, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। साथ ही गाड़ी में आपको एक फ्रंट कैमरा भी मिलता है जो कि आपको लैंड रोवर डिफेंडर में भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ आपको Z8 लग्जरी वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी फंक्शनिंग है, अगर आप ऑफ रोड करते हैं तो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियंस की, तो ये गाड़ी एक सेंस में बहुत बढ़िया ऑप्शन ला रही है आपके लिए। अगर आप इसे सीधे कंपेयर करते हैं टाटा हैरियर या फिर अगर आप देखें MG हेक्टर के मुकाबले, तो ये गाड़ी आपको ज़्यादा बढ़िया ऑफ रोडिंग करवा देगी। इस गाड़ी के लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँ, एक क्लासिक रेट्रो और मॉडर्न सबका कॉम्बिनेशन दिया गया है। फीचर फ्रंट में भी गाड़ी बहुत अच्छा काम कर रही है, कनेक्टेड फीचर्स भी आए हैं इस गाड़ी में, एलेक्सा का सपोर्ट है और सबसे बड़ी चीज़ इंजन पावरफुल है। 2.2 लीटर का M-Hawk डीजल इंजन मिल रहा है जो कि आपको 132 हॉर्स पावर की ट्यूनिंग में भी मिलेगा।
175 हॉर्स पावर की ट्यूनिंग में भी मिलेगा, 300 NM का टॉर्क भी मिलेगा, 370 का भी मिलेगा, 400 NM का भी मिलेगा, वो आपके ऊपर है आपका बजट कैसा है। साथ ही आपके पास पावरफुल 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है ही जो कि आपको 200 हॉर्स पावर दे रहा है, उसी के साथ 370 NM का टॉर्क दे रहा है। और बात की जाए इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो लेडन ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 187 mm का लेडन ग्राउंड क्लियरेंस है। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस के मुकाबले अभी की वैल्यू काफ़ी कम लग रही है, लेकिन ऑन प्रैक्टिकलिटी बेसिस हम देखेंगे ये कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मुझे उम्मीद है कि ये गाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाली है। तो अब हम आगे बात करेंगे कैसे हम इस गाड़ी को जल्द से जल्द बुक कर सकते हैं, जल्दी जल्दी इसकी डिलीवरी ले सकते हैं, सारी डिटेल आपके लाने वाली है। आप भी अपने ओपिनियन सबसे शेयर करिए कि क्या आपको स्कॉर्पियो में पॉजिटिव्स लगे, क्या इसमें नेगेटिव्स लगे। गाड़ी बहुत ज़्यादा दमदार है, इंजन में दमदार पावर दी गई है, बॉडी काफ़ी ज़्यादा हैवी दी गई है, कहीं पर भी कमी नहीं रखी गई है। हाँ, जो बॉनेट में आपको एक हाइड्रोलिक स्टड मिलता था वो भी हटा दिया गया पुराने स्कॉर्पियो वाला, बहुत कुछ नया है, बिल्कुल नई जनरेशन गाड़ी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको गाड़ी कैसी लगी।